नहीं रहे पंजाब की राजनीति के पितामह। पंजाब के पूर्व सीएम और दिग्गज नेता प्रकाश सिंह बादल का मंगलवार को निधन हो गया। 95 साल के प्रकाश सिंह बादल ने मोहाली स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में अंतिम सांस ली। प्रकाश सिंह बादल 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। सांस लेने में तकलीफ होने के बाद उनका इलाज अस्पताल में चल रहा था। 13 बार उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा और अपने सियासी करियर के दौरान उन्होंने कई रिकॉर्ड भी अपने नाम किए। उनके निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्री और दूसरे सियासी दल के नेताओं ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताया। उन्होंने कहा, ये मेरे लिए निजी क्षति है। उन्होंने बादल के साथ अपनी बॉन्डिंग की एक तस्वीर शेयर की। पीएम मोदी ने कहा, श्री प्रकाश सिंह बादल जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ। वो भारतीय राजनीति के महान हस्ती थे। उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत योगदान दिया। उन्होंने पंजाब की प्रगति के लिए अथक प्रयास किए और कठिन समय में राज्य को सहारा दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी उनके निधन पर दुख जताया और ट्वीट करते हुए लिखा, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के पूर्व अध्यक्ष सरदार प्रकाश सिंह बादल जी के निधन का समाचार दुखद है। वो आजीवन भारत और पंजाब की राजनीति के एक कद्दावर नेता रहे। श्री सुखबीर सिंह बादल समेत उनके सभी शोकाकुल परिजनों को और समर्थकों को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। प्रकाश सिंह बादल के निधन की खबर के बाद कई नेता अस्पताल पहुंचे, जिनमें हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर भी शामिल रहे। वो एक बहुत एक ऐसे दूरदृष्टि के रखने वाले नेता थे, जिन्होंने पूरा जीवन एक शुद्ध सात्विक ऐसी राजनीति की, गरीब के लिए, किसान के लिए हमेशा आवाज उठाते रहे। और लगातार 10 बार उन्होंने अपनी विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया। 20 साल तक वो पंजाब प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इतने लंबे समय तक उन्होंने जनता की सेवा की है। जनता उनकी मुरीद रही है। एक युग का आज अंत हुआ है। मैं अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से, हरियाणा की जनता की ओर से उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल के निधन के बाद केंद्र सरकार ने 2 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। प्रकाश सिंह बादल को फोर्टिस अस्पताल में 16 अप्रैल को भर्ती कराया गया था। फेफड़े की हालत ज्यादा खराब होने के बाद 18 अप्रैल को मेडिकल आईसीयू में भर्ती किया गया। मंगलवार शाम करीब 8 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। आपको बता दें, 27 अप्रैल को गांव बादल में पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल का अंतिम संस्कार होगा।